हो गया बेटा 9th क्वेश्चन। यस मैम, आंसर आंसर बताओ फिर। कहाँ चले गए थे सारे? 18, 40, आई एम 520। 520, 520 करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 करो। एट ट्वेंटी नाइन कुछ और भी होगा साथ में। सेकंड 20 20 सेकंड्स। 820। यस लो, 8 20 8 29 20। 8:29। 8:29:20। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इलेवेंथ क्वेश्चन करो। पहले मेरी सुनो, इसमें बेटा 125 मिरर्स हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है? एक के बाद एक मिरर है। मिरर के केस में क्या होता है, जब एक मिरर में हो तो ऑपोजिट दिखेगा, ठीक है? लेकिन अगर दो मिरर हो तो दो मिरर आने के बाद वापस हमें वही टाइम दिखेगा, ठीक है? इसका मतलब है जब इव ओड नंबर ऑफ मिरर्स होंगे तो हम उसका ऑपोजिट निकाल लेंगे टाइम, ठीक है? मिरर टाइम निकाल लेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ मिरर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम रखेंगे, ठीक सेम है? क्योंकि इवन नंबर ऑफ मिरर्स में क्या आ जाएगा, टाइम ऑपोजिट, फिर सेम, ऑपोजिट सेम, ऐसा आता आता वापस सेम आ जाएगा, ठीक है? तो 11th क्वेश्चन में कितने मिरर्स हैं, 125। तो आपको 125 टाइम्स ऑपोजिट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार ऑपोजिट करोगे, ठीक है? क्योंकि ये ओड है, 125 ओड नंबर है। तो निकालो, बताओ 11th में कितना सिक्स आएगा। फिफ्टी 650, बिल्कुल ठीक है। अब 12th में बताओ फटाक से, मुझे विद इन 2 सेकंड आंसर चाहिए। 340, 340, बिल्कुल ठीक है, 340, 340।
हम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी, रिपीट करती हूँ मैं बेटा। एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्लियर है ये बात? पता होगी किसी भी एक घंटे में 12 बजे से 1 बजे तक, या फिर 1 बजे से 2 बजे तक, किसी भी एक घंटे में आप देख लो कोई दोनों सुइयां घड़ी की कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी? 2 बार बनाएंगी, ठीक है? तो 2 घंटों में वो कितनी बार बनाएंगी? 4 बार बनाएंगी। इसके बाद आके देखते हैं, क्या 12 घंटों में वो 24 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 बजे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो 2 और 3 के ग्रुप में भी आता है और 3 और 4 के ग्रुप में भी इंक्लूड है। यानी कि 2 से 4 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 90 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं? 3। इसी तरीके से जो 9 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो 8 से 9 के ग्रुप में भी आता है और 9 से 10 के ग्रुप में भी काउंट होता है। तो 8 से 10 बजे तक 2 घंटों में कितने एंगल बनते हैं? 3। तो एक एंगल यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया और एक एंगल यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। इसीलिए 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 2 घंटे में 4 बार बनेगा, लेकिन 12 घंटों में 24 बार ना बनके 22 बार, यानी 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद 24 आवर्स में कितना बनेगा? सेम, 24 आवर्स में कितना बन जाएगा? 44 टाइम्स। क्लियर है? ठीक है, इसको yes, 90 डिग्री या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो अपनी नोटबुक में। कर लिया। आगे चलते हैं। ये तो थी 90 डिग्री की बात, अब आते हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का एंगल कितने बनेंगे? 1 घंटे में कितने बनेंगे? एक ही बार बनाएगा, ठीक है? और 2 घंटों में 2 बार बनाएगा, तो 12 घंटों में कितनी बार बनाएगा? 11 टाइम्स। और 24 घंटों में 22 टाइम्स। यहाँ पे कौन सा कॉमन है? 6 बजे का, ठीक है? 6 बजे जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो कॉमन बनेगा 5 से 6 में भी और 6 से 7 में भी, एक ही एंगल बनेगा 180 का, वो 6 बजे बनेगा, ठीक है? इसीलिए वो एक एंगल माइनस हो गया। और 24 में से भी फिर 2 माइनस हो जाएंगे क्योंकि 12 आर एंड 12 आर दोनों में से एक एक हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। तो आगे चलते हैं, 0 डिग्री का एंगल देखते हैं। 0 डिग्री का एंगल का मतलब है बेटा सुई एक के ऊपर एक होगी, घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगी, ठीक है? तो 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 1 बार, वही सेम 180 वाला। 2 घंटे में 2 बार, 12 आवर्स में 11 और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। ये बात तो क्लियर होगी। यहाँ पे कौन से वाला कोई बताएगा? कौन से वाला कितने बजे जो है, किस टाइम वाला एंगल जो है हम रिपीट ना करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे यहाँ पे 6 बजे था, 90 वाले में 3 और 9 बजे था, यहाँ पे किस टाइम पे आएगा वो एंगल जो दो ग्रुप्स में सेम काउंट होगा? वो आएगा 12 बजे, ठीक है? वो आएगा 12 बजे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो 11:55 पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहो तो अपनी घड़ी को घुमा के देख लेना, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब आप क्वेश्चन के आंसर दोगे।
सिक्सटीन्थ, सेवेंटीन्थ, जल्दी से आंसर बताते जाओ मुझे। सिक्सटीन का ट्वेंटी फोर टाइम, सिक्सटीन का है कितना, जल्दी बताओ, मैंने अभी भी लिखवाए हैं, सिर्फ देख के आंसर देना है। सिक्सटीन का फोर्टी फोर टाइम्स मैम, फोर्टी फोर। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना, आधा क्वेश्चन ऊपर रह गया। फोर्टीन का बताओ पहले आप मुझे। ट्वेंटी टू टाइम्स, ट्वेंटी टू। और फिफ्टीन, फिफ्टीन कंप्लीट दिखाती हूँ आपको। इसमें मिसिंग हो गया, फिफ्टीन कहाँ टूट गया। चलो मैं बताती हूँ आपको, फिफ्टीन क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन वन डे, एक दिन में। एक दिन का मतलब है एक दिन में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी। एक दिन का मतलब 44 टाइम्स, 24 आवर्स में कितनी बार बनाएगी। 44 टाइम्स, 44। अब बताओगे आप मुझे 16th क्वेश्चन का आंसर। राइट एंगल इन वन डे, ओके, 44 टाइम्स। 17th का, 17th का आंसर बताओ। 22 बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आ सकता है, आपको टाइम दे दिया कि 7 से 8 बजे के बीच में, एक घंटा दे दिया आपको, ठीक है। आपको बताना है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको एंगल बता देगा, वो एंगल किस टाइम पे बनेगा। अगर पूछा जाए, मैं पूछूं आपसे 90 डिग्री का एंगल 7 से 8 बजे के बीच में किस टाइम पे बनेगा, आप रिप्लाई दोगे अपने आप, जो भी आपके मन में आता है अपनी थिंकिंग से मुझे बताओ, चाहे गलत दो या सही दो, इतना तो आपको पता ही होगा। 7 से 8 के बीच में जो राइट एंगल बनेगा किस टाइम पे बनेगा, जल्दी से रिप्लाई दो मुझे। नहीं पता, कोई बात नहीं। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप गलत तो एटलीस्ट दोगे ही, कोई बात नहीं। फिर मैम 7:30, 7:30 मैम, 7:20। ये देखो बेटा 7:30 पे ये टाइम होगा, क्या ये राइट एंगल बनेगा। मैम 7:20, 7:20